हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा करते हो? बढ़िया हो गए कुछ? आज आ चुका है मैं फोटो एडिटिंग लेके। आज मैं कुछ लाइट रूम एप्लीकेशन में फ़ोटो एडिटिंग करूँगा और केचबुक में। तो देख सकते हैं कुछ फ़ोटो का बैकग्राउंड भी ग्रीन कलर करके दिखाऊंगा। तो मैं ओरिजिनल पिक दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल पिक है, देख सकते हैं कितना ख़राब है, बेकार है। और बैकग्राउंड का भी कलर देखिए, और मुँह पर भी कितना दाग है। तो ये मैं आज फेस भी पूरा गोरा करके दिखाऊँगा। तो चलो वीडियो को फटाफट एक लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं चले जाता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो वो मेरा फोटो भी आ गया, देख सकते हैं। तो चलो आज मैं इसको ग्रीन कलर करके दिखाऊंगा मैं सिंपल तरीके से। आप लोग भी मेरा वीडियो को फुल वॉच करेगा तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि किस तरह के करते हैं इधर लाइट रूम। किसी को लगता है गाइस जो लाइट रूम एप्लीकेशन में बहुत झमाला है, इधर झमाला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीका है। तो पहले आप लोग लाइट रूम के एप्लीकेशन में फ़ोटो शेयर कर लेना। तो गाइस मैं कर चुका हूँ, तो चलो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं ये इधर एक टूल दिख रहा है, एक टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गाइस टूल पे आ गए, एक इधर मिक्सिल वाला ऑप्शन देखने का है, ये वाला में आप लोग थोड़ा प्लस कर लेना, मतलब कुछ 60 प्लस करके आप लोग यहाँ कलर मिक्स में चले जाना, यहाँ कलर पे। गाइस अब इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इधर ही जो कैसे करने का है। हाँ, तो पहले हम लोग यहाँ ग्रीन कलर पे आ जाते हैं। आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ सबको ही दिखाई देगा यहाँ ग्रीन कलर है। ये ग्रीन कलर पे आ जाइए। उसके बाद मैं जितना करके जो भी रखता हूँ, ये भी फुल कर देना, ये भी फुल कर देना, इसको थोड़ा माइनस 8 माइनस करके रख देना। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, इधर देख लो कुछ इस टाइप का आप लोग भी कर लेना, नहीं हुआ है फुल कर दिया। उसके बाद थोड़ा इस कलर पे भी आ जाना, इसको यहाँ भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, कुछ मैं भी आप लोग भी इस तरह के रख सकते हैं, रख देना, देख लीजिए। मैं सिंपल तरीका से आप लोग को समझाता हूँ गाइस, आराम से करने का। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा चलेगा, तो आप लोगों को मैं आराम से सिखाऊंगा। कुछ इस टाइप के कर लेना, उसके बाद यहाँ रेड पे आ जाना, नहीं पहले इसमें आ जाना सेकंड वाला में, इसको कर देना है, मतलब मेरा मुंह भी थोड़ा गोरा हो जाएगा। नीचे वाला को फुल कर देना है और सेकेंड वाला को थोड़ा माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके मेरा थोड़ा शर्ट का भी कलर कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा हो गया, कितना अच्छे से फोटो मेरा ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर हो गया। कुछ इस टाइप के आप लोग भी कर लेना यहाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ राइट पे क्लिक कर देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर देना। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं, आप लोगों को सबको दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ आप लोग क्लिक कर देना। फर्स्ट वाला को थोड़ा 10 प्लस कर देना, उसके बाद सेकेंड वाला को भी थोड़ा 10 भी कर देना, इसको भी 8-10 करके रख देना। मतलब अपने अपने फोटो के हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। कुछ इस मैं जो अपने फोटो हिसाब के रखता हूँ गाइस, कुछ इस टाइप के रख सकते हैं। उसके बाद अब जो थर्ड वाला है उसको हल्का सा माइनस कर देना। अब मेरा फोटो हो गया, अब
मैं यहाँ से फोटो को सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को स्मूथ करके दिखाता हूँ जो मेरा फेस में ये है, मतलब काला हुआ है ये फेस भी, मैं स्मूथ करके गोरा करके दिखाता हूँ, मैं फेस को गोरा करके दिखाता हूँ। तो चलो मेरा यहाँ का लाइट रूम का काम हो गया, हम यहाँ से फोटो को कर लेते हैं सेव। चलो मेरा फोटो सेव हो रहा है, हाँ तो गाइस मेरा फोटो हो गया, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ बाय बैक। उसको चले जाते हैं गैलरी में, गैलरी में जाके तो इधर आ चुका है मेरा फोटो, देख सकते हैं। इसको मैं शेयर कर लेता हूँ केज बुक ऑप्शन पे, केज बुक एप्लीकेशन में, केज बुक एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ। गाइस आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आप लोगों को पता चलेगा स्मूथ कैसे करते हैं। आप लोगों को मैं स्मूथ करके दिखाऊंगा, सिंपल तरीका से स्मूथ करके दिखाऊंगा, बहुत आराम से स्मूथ करके दें। गाइस आप लोग स्मूथ करने के टाइम यही आप लोग मतलब गलती कर रहे हैं, जो स्मूथ करने के टाइम आप लोग सेटिंग अच्छे से रख नहीं सकते। आप लोगों को मेरे जैसा सेटिंग करना चाहिए, आपको मैं जैसा सेटिंग रखूंगा वही सेटिंग आप लोगों को रखना चाहिए। मेरा सेटिंग आप लोग देख लीजिए। अब ये दोनों जो नीचे वाला दो है इसको आप हर समय इतना ही रखना, और जो ऊपर वाला है ये वाला जो है इसको आपको फ़ोटो के हिसाब से रखना है। आपका फ़ोटो मतलब आपका फ़ोटो साइज से आपको हिसाब से रखने का। अभी दिखा रहा हूँ मैं, तो मेरा साइज थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेता हूँ, उसका स्मूथ करके दिखाता हूँ। अभी मेरा साइज थोड़ा बड़ा है, चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग फोटो स्मूथ करने के टाइम हाथ को गोल गोल घुमाने का, आप लोग फोटो स्मूथ करने के टाइम क्या बोला, हाथ को गोल गोल घुमाने का, तो आपका फोटो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। मतलब आप लोग जो इस टाइप से स्मूथ करते हैं साइड साइड से ऐसे 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 करके वो ख़राब दिखता है, आप लोग गोल गोल घुमाएगा तो आपका ख़राब नहीं दिखेगा। क्यों, जो गोल गोल घुमाएगा तो वही जो ब्लैक ब्लैक दाग है वो आपका हट जाएगा, जो वाइट है उसके ऊपर आ जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं साइड से करते हैं इसलिए आपका स्मूथ भी अच्छा नहीं होता। तो आप लोग बाद में बताएगा कि आप लोग कैसे सेटिंग किया क्या किया जो स्मूथ नहीं हुआ। तो आज मैं आप लोग इसलिए मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा स्मूथ करके, गोरा भी करके दिखाऊंगा। ये मैं अभी स्मूथ कर रहा हूँ, मैं आपको गोरा भी करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से स्मूथ कर चुका हूँ, थोड़ा आप लोग टाइम लगा रहेगा तो आप लोग भी कुछ इस टाइप की स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद मैं जो अभी करने वाला हूँ आपको भी ये भी दिखा देता हूँ गाइस। अभी मेरे को फ़ोटो को वाइट करना है, मतलब गोरा करना है, तो पहले हम लोग इस वाला में ऑप्शन पे चले जाते हैं। उसके बाद ये जो पेंसिल वाला मतलब प्लस वाला ऑप्शन है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्लस वाला पे क्लिक करके या ये डुप्लीकेट लेयर एक हो जाएगा, इस लेयर पे क्लिक करके तो आराम से दिखा दूंगा गाइस ये आप लोगों को। यहाँ आपके ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ क्लिक कर देना, बस हो गया, सब बैक आ जाएगा। तो मैं कलर के जाकर फुल वाइट कर लेता हूँ, वाइट आकर कर ले। वाइट करने के लिए आपको पेंसिल तो लगेगा ही, ये पेंसिल में नहीं होगा तो एक रूल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चलो मैं आपको वाइट करने वाला रूल भी दिखा देता हूँ, ये वाला है वाइट करने का वाला। क्लिक करके आप लोग साइज को आप लोग अपने हाथ हिसाब से रख लेना, सेटिंग भी देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप के, उसको गोरा करके देखो गाइस।
यही है टिक। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, यही टिक है, यही इसी तरह ही करना चाहिए आप लोग। तो चलो मैं जल्दी जल्दी गोरा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो आराम आराम से गोरा आप लोग कर लेना, देख सकते हैं ये गोरा हो चुका है। देखो कितना अच्छे से स्मूथ भी हो गया, गोरा भी हो गया। तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग इस तरह से कीजिए, आराम आराम से करेगा तो आप लोगों को भी आएगा। तो दिखा दिया मैं आज लाइटरूम पे ही किस तरह से कलर करना है और स्मूथ करके गोरा भी करने का सब दिखा दिया मैं। तो गाइस तो आज के लिए इतना ही, तो नहीं चलो पहले मैं फ़ोटो को सेव करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, हाँ ओके यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेना। तो वैसे तो मेरा फोटो सेव हो रहा है, तो सेफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।